अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करें ने कि तुम खैर खैरियत नाल हो सो और हमेशा खैर आफियत नाल रहो। तो तुसी वेदे पे मेरा यूट्यूब चैनल खालिद अजीम व्लॉग। तो आज अस आए हैं थोड़ा फिरन टुरन, दुकान बंद करके अस आए हैं साइड ते, शोरकोट साइड ते जा रहे हैं। कुछ शॉप के हवाले नाल भी समान लवन आई। दूसरे नंबर ते असां के भाई अपने व्यूअर नूं अपना इलाके का कोई विजिट शिजिट करवाइए जी। तो व्यूअर असा तकरीबन क्रॉस करें दे पैसे गढ़ महाराजे आली पुल जिथु दरिया जनाब ते दरिया जेलम क्रॉस होंदा ना, ते बड़ा खूबसूरत था ये मंजर असा के अपने व्यूअर नाल शेयर करें ने। और ते दूसरी तरफ पानी है बिल्कुल साफ साफ। होने का मकसद ये भाई भाई इतने ना पानी यानी कि पोठ का पानी आंदा, जेड़े दरियाई लोग हैं वो तो साड़ी गल समझ पाई सन, ते जेड़े हैं पे शहरी उन्होंने नहीं समझ लगनी भाई पानी उल्टा आंदा। जिस टाइम पानी की सतह बुलंद हो जाती है ना, तो बंद की दूसरी तरफ पानी यानी कि आ पैंदा, और पानी इंतहाई शफाफ है बिल्कुल, जिस तरीके पीवन वाला पानी होंदा ना। ये मैं तुम्हें चेक करावा, बिल्कुल साफ पानी क्लियर बिल्कुल, बड़ा प्यारा सीन आई। तो असा के अपने अपने दोस्तों नाल गल शेयर करें। व्यूअर दरिया अगर बंदा आवे ना तो इतने बंदा इलाका ही जड़े हैं लोग उन्होंने बहसा सामने तो नज़र आ रही थोड़ी हिंद साढ़े तो दूर, मैं जूम करके तो नहीं विखा सकता लेकिन सामने जनाब, क्योंकि तो इतने जेड़ा भी जिमीदार है ना वो अपने जानवरों के सिर ते है। इतने चाहे कोई फसलों तो पक्या नहीं काश्त हो सकियाँ, सालाना ही दरिया का पानी आया रह पैंता है, इस वजह तो इतने ज़्यादातर लोग जानवरों को तरजीह देते हैं। एक बंदे दे कम से कम 80-80 90-90 जानवर आता है। तो असी जा रहे हैं इस वक्त शोरकोट सिटी की तरफ। तो ये व्यूअर पौधा तुम्हें मैं विखाव, यह है पे आकड़ा जो कि इंतहाई कड़वो होता है। रास्ते आए अस भी चेक करवा दे व्यूअर ने, इस टाइम बंद की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बंद की हाइट हो सी तकरीबन 50 फुट उच्चे है पे। दूसरी तरफ दरिया है, बंद तो खलोते हैं तो साढ़े सामने प्राइडर अरे बंद तो दूसरी साइड तो सीन है पे, दरिया चनाब और दरिया जेलम। दरिया जेलम जंग तू तकरीबन इना 2 किलोमीटर अगे आके दरिया चनाब दे विच आके रल पैंदा, उस तो बाद दरिया चनाब और दरिया जेलम इतों गुजरदे ने। गढ़ महाराजे आले पुल दे सामने तो नज़र आ रही हो सी, ते इस पुल तो अगर तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर अगे आ के फिर दरिया रावी है शामिल हो जाता है, 3 दरिया इतने शामिल हो जाते हैं। तो बाद अगे थोड़ा यानी कि 20 या 25 किलोमीटर अगर वन के दरिया सतलज है, जो कि कभी नहीं कोई 5-6 साल उस एक अद्धी बारी पानी आ बने था, उस तो बाद 5 दरिया रल बने दरिया सिंह तो 5 नंद हैड तकरीबन इतों दूर है पे 500-100 किलोमीटर दूर है साढ़े तो हैड 5 नंद उत्थे 5 दरिया क्रॉस होंगे ने साइड तो जड़ा ये साढ़ा है पे दरिया यानी कि गढ़ महाराजे आली पुल। इस पुल तो फिर 2 दरिया क्रॉस हो रहे हैं, दरिया जेलम और दरिया चनाब। और ये वरा तुम वेख सकते हो पानी इस टाइम फ्रैश चलता पे है। और ये है पे सिपर का नज़ारा, पत्थर पाए उन चौंके सिलाबी सूरत हाल नाल निपटन की वजह तो ना इस यानी कि बड़े हैवी किस्म के पत्थर मशीन नाल पाए गए हैं, जो कि पानी की जड़ियाँ छल उस जो बानने पे हिफाजती बान बचाने वास्ते बड़ा मजबूत काम होया गया जी। ये होए तकरीबन आज तो 10 साल पहले आई, 10 साल पहले ये काम शुरू होया, तो 5-1 साल कंप्लीट हो गया, पुल भी चल गया। इस पुल के चलन नाल काफ़ी सारा साढ़ा इलाका यानी कि तरक्की की तरफ गामजान हो गया, क्योंकि अगे इतने चल दिया कश्तियाँ बेड़ियाँ बेड़िया के उत्ते बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम शहरी बिश, जड़ा बंदा घर मोड़ तो शोरकोट बने सारा दिन लग पाता है, तो हूँ 15 या 20 मिनट का सफर है। असा साढ़ा यानी कि इस टाइम रुख आई शोरकोट की तरफ, तो जो ही पुल तो चढ़न लगे हैं थोड़ी जी सू जगह बड़ी प्यारी जी नज़र आई, असा चलो अपने दोस्तों नाले भी शेयर कर लवीए। तो बाकी दोस्तों मैं अगे भी तुम्हें ये रिक्वेस्ट करें दिन हर वीडियो के हूँ भी यो रिक्वेस्ट करें कि मेरा यूट्यूब चैनल खालिद तजीम इन ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब कर लाइक कर शेयर कर। अस खलोते हैं इस टाइम पुल के बिल्कुल थले, तो ये व्यूअर तहरीर इतों वीडियो तो पुठिया नज़र आदि पे, लेकिन इतने
लिखे खला ना मस्जिद की ना मंदिर की बात है तेरे अंदर की। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ हर बंदे दी जिवें होंदी है सूरत हाल। अच्छा, बाद औकात अगर तुसी पुलों तों क्रॉस करेंदे हो तो पुल थोड़ी थोड़ी ना लचक लैंदी है, हल्दी है। अज मैं वो गल ही तुहानूं विखावां वी किहड़ी वजह तों हल्दी है, उहदे विच किहड़ी चीज़ ऐसी खास हुंदी जिहदे विच वो पुल ना थरथराईंदी, यानी कि अगर वो थरथराहट ना वन तां उहदा तिड़कण दा खतरा हुंदा, टुटण दा खतरा हुंदा। ये मैं अज वेखदा पिया हां जिदण दी पुल बणी, मैं वी अज इह गल वेखी, वो मैं अपने व्यूअर नाल शेयर करावां भी। ये फ्रेंड्स वेखदे पए हो, ये प्लास्टिक, ये जिहड़ी प्लास्टिक है ये नरम है। इस टाइम मैं चाबी लाई है तो यानी कि नरम। इस उत्ते डेट एक्सपायरी भी लिखी हुई है, फोन नंबर वगैरह लिखे हुए। इस उत्ते पुल है, जिस टाइम कोई गड्डी टपदी है ना इस तू, ये पुल सारी इस तरीके यानी कि थरथराईंदी है। ये जिस टाइम पुल के उत्ते बंदा खलोतो मैं तो उस टाइम बाद ये नज़र आता भाई ये क्यों ये काम आता पे। बाकी ये सीन है पे और पुल के थले वाला वो भी तुम चेक करा दे भी है। इत स्टार्ट होती है जी गढ़ महाराजे वाला पुल, क्योंकि साढ़े वास्ते तो कि नहीं मते क्योंकि साढ़े इलाके दे वेचे। बाकी पानी इतने नॉर्मल ही रहा, साल दे वेचे कोई एक अद्धी बारी पानी आता है, वह भी एक इलाके उस की नहीं आता, थोड़ा आता। तो दोस्तों हम निकलते हैं, असं शोरकोट टुरते पे हैं, इंशाला तुम अगवान के चेक करवाने माई बाप के दरबार की ज़ियारत करवाई सा इंशाला, जो कि हजरत सुल्तान बाऊ दे वालदैन है। तो उस तो बाद नैक्सट वीडियो किसी ना किसी वीडियो के हजरत सुल्तान बाऊ के दरबार की भी ज़ियारत करवाई सी। बार कम से कम अस 20 तो 25 मिनट की मुसाफत तो बाद अस पहुंचे हैं शोरकोट माई बाप के दरबार से। तकरीबन 300 फुट की बुलंदी तो है दरबार उत्तर। रास्ते दे पहले गेयर मेरी जितनी कि रेस आई मैं तो दीती हुई है तक कि ब्राइडर मोटरसाइकिल जोड़ा है वजन ही बड़ा है, बावजूद ही वह कितना कितना अग चा पा इतना यानी कि उच्चा है पाया। ये सारा तुसी फ्रेंड्स वेखो भाई इलाका भावें 3 मंजलियां कोठियां का भावें 2 मंजलियां ने जोड़ा दरबार है, इस तकरीबन जिकिया ने तकरीबन अस टावर के बराबर खलोते हैं इस टाइम। तो आओ व्यूअर तुहानू इस टाइम दरबार के अंदर की ज़ियारत करवा दे भी है। चेक करो जी रोड कितने बने, रोड चेक करो जी शोरकोट सिटी, आबादी तो बहुत ज्यादा नहीं। सिर्फ तुम हॉल चेक करा, इतना उच्चा है तो कम अज कम 250-300 फुट तो सी तकरीबन ही 250-300 फुट कोई साढ़ा एस्टिमेट है, साढ़ा अंदाजा एक कितनी हाइट है, क्योंकि ये जो टावर है ना ये टावर के बराबर ही है, जो हमने टावर खाला चेक करो ये बराबर ही है। ये कोई सीन है चेक करो, बड़िया ठंडी छां होंदी है जाल दी, बहुत ज़्यादा ठंडी है जाल दी छां होंदी बहुत ज़्यादा, ये जड़ी जाल है ना ये छां अखीर होंदी है। मोटरसाइकिल से ला करन लगे, मोटरसाइकिल ला दी अंदर जाल दी छां चेक करो, बड़ी ठंडी ठंडी
चलिए फिर। वालेकुम सलाम। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਹੱਥ ਤੱਕ ਅੱਧ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਏ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੱਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ ਅੰਮਾ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਇਤਨੀ ਖਾਈ ਖਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ। ਇਤਨੀ ਖਾਈ ਠਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਵਣਾ ਅਲਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਲਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ।